और चुनाव आती है तो उसमें बोलता है हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ मतलब करने की चाहत नहीं करती। और दिक्कत है, रोड एक घंटा के जगह पर दो घंटा लगता है, हम लोग को रोड सही नहीं है पताही से लेकर कोठी बाजार। किसी का कपार फटता है, किसी का सामान नुकसान होता है, यहाँ का प्रशासन जो है खाली इनको जो है अपना योजना चाहिए, योजना से कमीशन चाहिए, लोगों को विकास में मतलब नहीं। जर्जर सड़क पर धान की रोपनी करते नजर आ रहे इन ग्रामीणों को जरा गौर से देखिए। ये मोतिहारी के पताही गांव के ग्रामीण हैं, जिन्होंने सालों से टूटी और जर्जर स्थिति में पड़ी सड़क पर प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए ये अनूठा तरीका अपनाया है। पताही से पकड़ी दयाल यानी 9 किलोमीटर तक बनी सड़क की स्थिति यही है। बाढ़ में सड़क सड़क नहीं बल्कि नाला बन जाता है। कब कौन सी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, कब कौन सी दुर्घटना घट जाए, कोई भरोसा नहीं। जो पब्लिक गुजरती है उसको इतना दिक्कत होता है, खासकर पैदल गुजरने वाले राहियों को, और यहाँ से लेकर चैता देख रहे हैं ना आप लोग और चकिया बाईपास तक पूरा ऐसा ही रोड है पूरा, जो चाहे से मतलब आप जब इससे आगे जाइए जो ढाका तक पूरा बेहतर खराबी रोड है पूरा। उसके बाद यहाँ नाला उला का कोई व्यवस्था ही नहीं है, ना पानी का कोई निकासी है। इसी रूट से विधायक जी पिछले 7 साल से आते जाते हैं यहाँ से, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं है। और रामा देवी जी की इस क्षेत्र के 15 साल से सांसद है, उसने पब्लिक को झांसा में रखा और चुनाव आती है तो उसने बोलता है हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ मतलब करने की चाहत नहीं करती। और दिक्कत है, रोड एक घंटा के जगह पर दो घंटा लगता है, हम लोग को रोड सही नहीं है पताही से लेकर कोठी बाजार तक। कहाँ से कहाँ तक है? पताही बाजार से लेकर कोठी बाजार तक कोई रोड का ध्यान ही नहीं है, बहुत टाइम लगता है, हम लोग का गाड़ी खराब हो जाता है। होता है किसी का कपार फटता है, किसी का सामान नुकसान होता है, यहाँ का प्रशासन जो है खाली इनको जो है अपना योजना चाहिए, योजना से कमीशन चाहिए, लोगों को विकास में मतलब नहीं है। यहाँ का नेता है, विधायक हुआ, सांसद हुआ, इन लोगों को कमीशन जन वितरण प्रणाली से चाहिए, राशन से चाहिए, रोड रास्ता जो बन रहा है इनसे इनको कमीशन चाहिए, नल जल योजना का काम चला है, ठेकेदारी जो है उनका अपना कोई संबंधी था सांसद महोदय का, विधायक का, और दमाद था कि उनका बहनोई था क्या था, तो वो सब लूट के चला गया गाँव में, सारा रास्ता जो है नाला पूरा बर्बाद हो गया। सड़क पर चलना यानी मौत को दावत देना, जानलेवा गड्ढे, बड़ी बड़ी नालियां इसके सामने फेल हैं। आलम यह है कि यहाँ के ग्रामीणों को मात्र 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लगता है, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं। ऐसा नहीं है कि यहाँ के अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को इसकी जानकारी नहीं है, आम से लेकर खास तक सभी लोग इस सड़क का सदुपयोग करते हैं। रोजाना यहां से कई अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की गाड़ी चलती व दौड़ती है, लेकिन भ्रष्ट सिस्टम और मोटी कमीशन के आगे जनता और जनता की मुश्किलें कहां नजर आती हैं।